गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट, कल हम आपका हिंदी का पार्ट दो बरगद के वृक्ष के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो हमारा लेसन क्या था, इनकम्प्लीट था, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। बरगद दादा चुप हो गए। कुछ और भी कहो, लड़के की आवाज़ में नम्रता का आग्रह था। अब लड़का क्या हो गया, बिल्कुल नम्र हो गया, और उसने नम्रतापूर्वक कहा कि बरगद दादा अब आप और भी कुछ कहो। ठीक है, मेरे आसपास काफ़ी पत्तियां सड़ रही। अब बरगद ने क्या कहा, जो मेरे आसपास बहुत सारी पत्तियां क्या हो रही, सड़ रही है। केचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने जमीन के नीचे से निकलते हैं। जो केचुए रहते हैं ना, वो इन पत्तियों को खाने के लिए कहाँ से निकलते हैं, ज़मीन में से निकलते हैं। इससे मिट्टी को हवा मिलती है। अब इससे मिट्टी को क्या मिलती है, हवा मिलती है, और पेड़ों की जड़ों को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। पेड़ की जड़ों को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। इसी तरह सब जीव जो है वो एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अब हम जो है एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान न था, मैं आपसे कुछ और। अब उसने लड़के ने क्या कहा कि बरगद दादा आप मुझको माफ़ कर दीजिए, मुझे इन सब का ज्ञान नहीं था। अरे अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही है उधर, बरगद हंसते हंसते बोला। अब बरगद ने फिर बोला लड़के को, हंसते हंसते बोला कि अरे तुम्हारी भेड़ बकरियां भागी जा रही है, पहले तुम उनको देखो। लड़का भाग रहा था, अपनी बकरियों को पकड़ने वो सोच रहा था, आज मैंने कितना कुछ सीखा। लड़का अपनी भेड़ बकरियों को पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन वो मन ही मन में सोच रहा था कि हाँ आज मैंने बहुत कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी। अब जो हमारी प्रकृति है उसमें हमारे लिए सभी कुछ चीज़ें हैं, वो हमारे लिए क्या, बहुत उपयोगी है। जब हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रख सकते, तो बड़े होने का क्या घमंड। जब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो ऐसे बड़े होने का क्या घमंड। यह लेसन टू आपका हिंदी का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली क्लास में सेंड करेंगे।